अभी तो कोई गठबंधन की बात हुई नहीं हमारी, अभी आज ही हमने निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का। वैसे दिल्ली में गठबंधन है हमारा, अभी तक टूटा नहीं दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर एक प्रयोग के तौर पे हम देखेंगे कि आरएलपी को शहरों में लोग कितना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे बोर्ड हमारे बन जाएंगे, लेकिन अगर उम्मीद बच्चों की वो लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए चुनाव का आह्वान हमने किया कि आरएलपी उम्मीदवार उतारेगी। आरएलपी का खुद का जनाधार राजस्थान के अंदर, किसी के भरोसे हम यहाँ नहीं है राजस्थान के अंदर। हम कोई गलत में भी नहीं रहे कि हमारे भरोसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी, कतई नहीं। एक पार्टी को तो तीसरे नंबर जाना ही होगा 2023 के चुनाव के अंदर, कांग्रेस बीजेपी में एक थर्ड रहेगा। आरएलपी 23 के अंदर मजबूती से राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और आगे जो निकाय और पंचायतों के चुनाव होगा उनको भी मजबूती से लड़ा जाएगा। सर जयपुर एक बड़ी निकाय है, तो वहाँ अगर बीजेपी बात करती है आपसे, अगर ऐसी अभी तो कोई बात हुई नहीं हमारी, अभी कोई बात नहीं हुई, और अगर बात करते हैं आगे तो आगे का तो आगे देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई बात करेंगे, बीजेपी वाले क्यों बात करेंगे, लहर चल रही है उनकी तो खुद की, कांग्रेस की लहर अलग से चल रही है, तो हमारे छोटे दलों से कौन बात करेगा। लेकिन हम हमारी प्रेजेंस शहरों में भी दिखाएंगे 30 अक्टूबर और 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को जो राजस्थान के अंदर 6 नगर निगमों 3 शहरों के जयपुर जोधपुर और कोटा के जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो सरकारी जो तंत्र इस बार है पूरी तरीके से फेल्योर रहा, पंचायत राज के चुनाव भी अभी भी लटके हुए हैं और 3 चरण में पंचायतों का चुनाव हुआ। जो पंचायत राज के अंदर एक आस्था थी लोगों की, उसको इस सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया और अभी भी मंडल जिला परिषदों का चुनाव नहीं रहे। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा जोधपुर और जयपुर के नौजवानों का कि आरएलपी को इस चुनाव के अंदर उतारा जाए, और जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी पार्टी ने हमारे सब जो कोर कमेटी विधायकों से बात हुई, पदाधिकारियों से बात होने के बाद ये तय किया कि हमें इन चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरना चाहिए। और आज मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि आरएलपी आगामी जो 3 शहरों के अंदर जयपुर जोधपुर और कोटा में जो चुनाव अच्छे निगमों के, ये मजबूती से अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। और करीब करीब जो वार्ड जहाँ हम निकाल सकते हैं उन पे फोकस करेंगे, और बाकी नौजवान और टिकट लेना आएंगे तो हम आराम से इसकी टिकट भी बांटेंगे। 3 विधायक हमारे, 3 जो शहर है इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग जोधपुर की कमान संभालेंगे, वो प्रभारी होंगे जोधपुर के, नारायण बेनीवाल खींवसर विधायक के जयपुर के प्रभारी, और इंदिरा बावरी जो मेड़ता विधायक कोटा की प्रभारी होगी, और ये फिर अपने 6 प्रभारियों की और जो पार्टी के पदाधिकारी है वो 2-2, 3-3, 4-4 की संख्या में इनका सहयोग करेंगे। और आज ही इस काम को हम गति देंगे और कल संभवतः ये सब जगह अपनी अपनी मीटिंग भी रख लेंगे, और फार्म भरने की शायद अंतिम तिथि 19 है, उससे पहले पहले हम सारा हमारा काम पूरा कर लेंगे। ये हम एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन के बाद ये पहला प्रयोग है हमारा शहरी क्षेत्र के अंदर। ये गांव की पार्टी, लोग कहते हैं कि आरएलपी गांव की पार्टी है और किसानों की पार्टी है, तो शहरी क्षेत्र के अंदर भी हम चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी आरएलपी पार्टी का प्रभाव बढ़े, आरएलपी से लोग जुड़ना चाहते हैं। पहले हमने ये मानस नहीं बनाया था, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस तरह का दबाव लोगों का आ रहा हमारे ऊपर कि आपको चुनाव लड़ाना है नगर निगम चुनाव के अंदर, आरएलपी को उतरना, तो नौजवानों की और शहरी शहरवासियों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी ने निर्णय लिया कि आरएलपी पार्टी अपने उम्मीदवार इन 3 जगह उतारेगी। और आज ही प्रभारी अपने अपने 6 प्रभारियों की पार्टी पदाधिकारी 2-2, 3-3 इनकी सहायता के लिए 3 निगमों में रहेंगे। आज से इस कार्य को गति हम दे देंगे।